दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो आप सभी को पता है कि एग्जाम बिल्कुल एंड मोड पर है, तो एग्जाम से पहले मैं एक सेशन जरूर करता हूं जिसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूं कि किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, चाहे एग्जाम कैसा भी आए। तो ये जो कुछ टिप्स हैं वो आपको जरूर मदद करते हैं। तो सबसे पहले आपके माइंड में एक चीज ये रहनी चाहिए कि एक्पा एग्जाम जो है वो किसी भी शिफ्ट में क्यों ना हो, आपको प्रैक्टिस तब तक करनी है जब तक कि आपकी लास्ट शिफ्ट डन नहीं हो जाती। कुछ लोग क्या करते हैं कि एग्जाम के पैटर्न को डिटेक्ट कर लेते हैं, वो ये कहते हैं कि शिफ्ट वन में एग्जाम ये हुआ तो क्या है कि मेरा एग्जाम इसके बाद है तो ऐसा ही सब कुछ आएगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत मिथ है। अगर आप आज के टाइम पर अगर आप इस चीज को देखोगे तो ये चीज काम नहीं कर रही है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि एग्जाम जो है वो वेरियस शिफ्ट में हो रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसमें से कोई ना कोई ऐसा टॉपिक होगा जो आपकी शिफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है, आप अगर सैम्पलिंग के लिए अगर कुछ मैं डेटा की अगर बात करूं तो सीधी सी बात है कि अगर मैं शिफ्ट वन की बात करूं फिर टू और थ्री, तो यहां पर अगर आप ये देखें नंबर सीरीज का टॉपिक अगर यहां पर पूछ लिया गया, ठीक है, तो हो सकता है कि यहां पर उस नंबर सीरीज को ना पूछ करके वो कुछ और उसकी जगह दूसरा क्वेश्चन पूछ लें, या मे बी हो सकता है कि यहां पर हमसे जो है नेक्स्ट नंबर सीरीज निकाला था यहां पर रॉन्ग पूछ लिया जाए, यहां पर हमसे नंबर सीरीज नहीं पूछा जाए इसकी जगह क्वाड्रेटिक पूछ लिया जाए, Q1 Q2 आ जाए। तो जितने भी टॉपिक जो एक्सपेक्टेड होते हैं वो मैं आपको ऑलमोस्ट बता चुका हूं। अब ये किसी को नहीं पता कि उसकी शिफ्ट में क्या आने वाला है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपका जिस शिफ्ट में भी एग्जाम हो आप इसकी टेंशन मत लो कि जिनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम होगा वो लोग यार बहुत जल्दी कराएंगे या फिर उनका इजी आता है पेपर, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। सबके साथ एक जैसा ही यहां पर फीलिंग होती है, आपको बस ध्यान ये रखना है कि मुझे पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करते रहना है, और अगर मेरा एग्जाम किसी भी शिफ्ट में क्यों ना हो, ठीक है, मुझे ये रिव्यू पैटर्न्स वगैरह ये आपके माइंड को थोड़ा सेट करने के लिए हेल्प करते हैं, लेकिन ये आपको फिक्स नहीं कर सकते कि जो लोग 14 अक्टूबर या फिर कभी भी इसके बाद एग्जाम जिनका है उनके लिए ये मदद मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है, ओके। ये आपका हर एक जगह वर्क करता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर चार ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपको एग्जाम के टाइम पर बहुत ध्यान से यूज़ करनी है, ओके। तो ये जो फोर थिंग्स हैं इनको ध्यान से रख लो यार। एक तो पहली चीज़ कि अवॉइड गैसेस, जो आप तुक्के मारते हो ना उनको तुक्का मारना बिल्कुल बंद कर दो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने जैसे पेपर बहुत टफ आया तब भी आपको गैस नहीं मारना, पेपर बहुत टफ है तो आप ये देख लो 35 या 30 मार्क्स का पेपर है आपका, तब भी वहां पर आपको अगर तीन क्वेश्चन आ रहे हैं चार क्वेश्चन आ रहे हैं आप उनको ही केवल बनाओ, क्योंकि ये जो टफनेस होती है पेपर की ये लगभग 80-85% लोग इसको सर्वाइव करते हैं, ठीक है। 15% और 10% की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि जिनके मार्क्स ऑलमोस्ट बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं जनरल बात करूं तो 80-90 के बीच में भी यही कम कह सकते हैं कि ये जो पेपर की टफनेस है वो सबके लिए जैसी फील होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना गैस बिल्कुल नहीं मारना, जो आ रहा है वो करो, चाहे कम क्वेश्चन आ रहे हैं कम अटेम्प्ट करो, क्योंकि अगर आप वहां पर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी तो ऑब्वियसली आप उस प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर ले जाएंगे, ठीक है। मेन क्या है, मेंस है, ठीक है, मेंस में हम अपनी पूरी मेहनत लगा देंगे, लेकिन क्या है कि अगर हम प्री की भी बात करें तो हमें गैस नहीं करना, मेंस में भी गैस नहीं मारना होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। सेकेंड जो पॉइंट है वो यहाँ पर ये है कि जो मोस्ट इजीएस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा, जैसे आप क्वांट को सॉल्व कर रहे हो तो आप ये देखो कि जैसे आपकी स्क्रीन पर एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसको आपको लग रहा है कि इसको मुझे पढ़ने में 2-3-4 मिनट लगेंगे और उसके बाद भी चांसेस हैं कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। जैसे प्रोबेबिलिटी का कुछ क्वेश्चन आया, कुछ लोग देखते ही प्रोबेबिलिटी को छोड़ देते हैं कि ये मुझसे नहीं बनेगा, ओके। या फिर एक ऐसी मिसिंग डीआई आ गई जिसमें डेटा कैलकुलेटिव है, टाइम लगेगा, तो आप उस डीआई को स्किप करके नेक्स्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तुरंत आप नेक्स्ट नया क्वेश्चन देख लो। तो ये ध्यान रखना कि पहले आपको मोस्ट इजीएस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है इसको अटेम्प्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। फिर क्या करोगे कि आप धीरे धीरे पेपर की लेवल को अपने हिसाब से सेट करना चालू कर दोगे, ठीक है। क्या होता है कभी कभी जब क्वेश्चन हमसे 10-15 बन जाते हैं फिर हमारे अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस ऐसा जुनून आ जाता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से जो है उसके डेटा को एनालाइज डिटरमाइन कर लेते हैं, फिर हो जाता है, ठीक है। अगर शुरुआत थोड़ी सी प्लस माइनस हो जाए तो फिर पूरे पेपर पर उसका इम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यार इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये अगर मैं कहूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस ऐसा रहता है कि सर मैं फाइनल एग्जाम में जो है वहाँ पर अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाया, फिर मैं थोड़ा घबरा गया ऑनलाइन टाइमर देखकर, ठीक है, तो ये चीज़ें तभी आपकी होंगी। दूसरी चीज़, जिन लोगों ने एम्पल अमाउंट में प्रैक्टिस की है घर पर, ओके, तो उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने टाइमर भी अच्छे से देखा है, ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन भी स्किप किए हैं, वो अब
एग्जाम को बिल्कुल एज अ टूल समझेंगे कि प्रैक्टिस का ही, ठीक है, प्रैक्टिस का एनवायरनमेंट उनको फाइनल एग्जाम में मिलेगा। जिन्होंने घर पे लगभग 20 से 30 टेस्ट बनाए हैं, स्कोर भी आया हुआ है। अब एक चीज और मैं यहाँ पर, वो नोट करके लिख लो कि आपके प्री में या फिर कितने में मार्क्स आए, आपने कोई भी टेस्ट दिया हो उसमें वॉट एवर आपका कोई भी स्कोर रहा हो, आप उसको घर पर छोड़कर जाना। आपको फाइनल जो एग्जाम आपका होगा IBPS के द्वारा, इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि मुझे इसमें स्कोर करना है। कुछ लोग क्या होते हैं, टेस्ट सीरीज में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते या फिर क्वेश्चन के लेवल को अलग है, टेस्ट सीरीज का लेवल बहुत अलग है, ठीक है, तो फाइनल में आपको मेन वहां पर करना है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे यार, मैं बताता हूँ, होते हैं कि जो टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं और फाइनल जब एग्जाम होता है वहां पर कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाती, ठीक है, तो ऐसा मत करना, क्योंकि आपने अगर प्रैक्टिस की है और कितने भी मार्क्स आए, 50 60 70, तो जो जितने भी मार्क्स आए इससे श्योरिटी आपकी नहीं है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे। आपने प्रैक्टिस अच्छी की है, एग्जाम में क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, ऑब्वियसली वहां पर अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ओके, अगर जो नेक्स्ट चीज की मैं बात करूं, ये है कि जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप देखो सॉल्व करने से पहले उसकी पूरी लाइन को तो जरूर पढ़ लेना, ठीक है, जैसे अरिथमेटिक का क्वेश्चन है तो पहले ध्यान से पूरी लाइन को, दो लाइन तीन लाइन का क्वेश्चन है पूरी लाइन पढ़ो, सिटिंग अरेंजमेंट है या फिर कोडिंग डिकोडिंग है। कुछ लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं पढ़े, ठीक है, जो ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखा होता है इसमें करना क्या, डायरेक्टली सॉल्व मार दिया, थर्ड फोर्थ कुछ भी। अब उसमें इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है, अब जैसे अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो सिलोगिज्म सपोज करो अगर आपके एग्जाम में आया हुआ है तो पहले उसके इंस्ट्रक्शंस में पढ़ लो क्या कह रहा है वो, कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा है या फिर फॉलो होगा उसको पिक करना है, इंस्ट्रक्शंस मेन है। तो एक एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन को बनाना थोड़ा लाइन के ऊपर ध्यान रखना कि मुझसे कोई भी चीज मिस ना हो जाए जिससे कि सॉल्यूशन आपका रॉन्ग ना हो, ठीक है, तो डेटा मिस नहीं होना है, ध्यान रखना। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि किसी भी क्वेश्चन को चेज मत करना, अगर आपने चेज किया तो आपका देखो दो तीन चीजें खराब होगी, पहले चीज टाइम आपका वहां पर खराब होगा, उसके बाद चांसेस हैं कि वो सॉल्व हो पाए या ना हो पाए। तो चेस करने का यही मेन मीनिंग है कि आपने पहले अटेम्प्ट में सॉल्व किया और आपको लग रहा है कि यार मेरा टाइम यहां पर 2 मिनट लग गए, मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप मूव करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं मैं इसको बनाऊंगा ही कुछ भी हो जाए, तो आपको पता है ना 20 मिनट का टाइम है और इस 20 मिनट के टाइम में क्या क्या कर पाओगे आप, ठीक है, तो ध्यान ये रखो इजी वन को पिक करो और जो थोड़े से टफ है उनको आप आउट कर दो। एग्जाम में बने रहने के सबसे मेन चीजें क्या होती हैं कि हमें स्मार्टली चीजों को डील करना होता है। अब अगर आप इगोइस्टिक हो, किसी भी चीज को किसी भी तरीके से ले गए, तो फिर वहां पर आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, तो ध्यान रखना। ये जो चार चीजें बता रहा हूं बहुत ज्यादा है अच्छी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। और अब हमें क्या करना है, देखो एक चीज है, जो एग्जाम का रिव्यू होता है ना वो आपके माइंड को सेट करता है एग्जाम में जाने से पहले कि अगर ऐसा कुछ कुछ आया तो मैं भाई कर लूंगा अटेम्प्ट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये 100% लोगों की भावना यही होती है, तभी तो वो लोग एग्जाम के रिव्यू को देखते हैं, वरना वो ये क्यों पूछें कि DI कैसी आई थी, अच्छा सर्किल बेस्ड DI आई थी। क्या किसी ने अगर ये बता दिया किसी को कि हाँ भाई सर्किल बेस्ड DI एग्जाम में आई है, तो वो क्या उसको एग्जाम का लेवल पता चल गया कि इस DI का लेवल क्या था, ठीक है, नहीं पता चल पाएगा। पाई चार्ट पूछा गया, अच्छा 4 सेक्शन थे टोटल दिया गया था, तो वो ये सोच सकता है कि अगर मैंने जो पाई चार्ट की प्रैक्टिस बहुत सारी की है तो ये वाला टाइप ऐसा कुछ हुआ होगा तो मैं तो कवर कर लूंगा, ये माइंड सेट केवल हो पाता है, ठीक है, टेबल DI बार ग्राफ DI, तो आपने प्रैक्टिस की है तभी आप ऐसी चीजों को वहां पर रिज्यूम कर लेते हो, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट मैं और आपसे करना चाहूंगा कि आप लोग क्या करना, currentaffairsfunda@gmail.com पर मैं चाहता हूं कि एंड ऑफ द डे तक मैं सबसे जो कंफर्म चीज होती है, जो मतलब कि एग्जाम का पूरा निचोड़ होता है, मुझे हर एक शिफ्ट में आप किसी भी शिफ्ट को देख रहा हो, कितने बजे भी आपका पेपर एंड हो रहा हो, लेकिन आप प्लीज मेल जरूर करना, अपना नेम लिख देना और साथ में अपने शिफ्ट का नाम लिख देना और अपने पेपर को डीपली एनालाइज करके बताना कि आपने वहां पर क्या क्या चीजें देखी और किस तरीके से आपने चीजों को अटेम्प्ट किया। मैं चाहता हूं कि आपको बिल्कुल रियल टाइम चीजों को बताया जाए कि एग्जाम में किस तरीके से लोगों को फील होता है, क्या आता है, लोगों के एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, ताकि यार मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो, ओके, और जो गलतियां लोग करके आ रहे हैं वो गलतियां बाद वाले लोग ना कर पाए, तो यार ये आपके भाई बहन है तो प्लीज इनका भी थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और अपना एग्जाम का शिफ्ट और एग्जाम की जो डेट है वो नीचे मुझे कमेंट करके बताओ कि किस डेट में आपका एग्जाम है, ठीक है, ताकि ये पता चल जाए कि कब तक एग्जाम चलेगा और क्लासेस भी हम लोग उसी हिसाब से चलाएंगे। मैं आपको बता दूं ये जो मंडे से सैटरडे के बीच में जो सेशन अब आएगा, ओके, ये कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड होगा, जो चीजें एग्जाम में पूछी जा रही हैं हम उनके सिमिलर टाइप की प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आपको बहुत कुछ मिल जाए। और हमारे साथ बिल्कुल बने रहना, आपको एग्जाम का रिव्यू भी मिलेगा और जो एक्सपेक्टेड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम यहां पर लेकर आएंगे।
जाएंगे, ठीक है। तो अपना नेम और अपना शिफ्ट लिखो और मुझे मेल भी कर देना जैसे भी आपका एग्जाम की शिफ्ट ओवर हो आपके पास, जब भी टाइम मिले एंड ऑफ द डे तक, ताकि हम उसको कंसिडर कर लें, ठीक है। तो यार ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और एक ही चीज जो आपको बहुत आगे ले जा सकती है, मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि इस दिवाली के बाद आपके पास ये चांसेस ये हैं कि हो सकता है कि ये दिवाली के बाद आपको ऐसा फील हो कि मैंने जो IBPS PO का एग्ज़ाम दिया, ओके, और ये मेरे फेवर में गया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, क्योंकि कई लोगों की महीनों और सालों की मेहनत यहाँ पर काम आती है। तो आपको टारगेट रखना है, एग्ज़ाम में पेशेंस के साथ जाना है और इस दिवाली के बाद आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, प्री आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। और साथ में जो रिजल्ट आता है वो आता है 1 अप्रैल 2019 को, तब तक आप इस लिस्ट में आ जाओगे। तो अभी जितने भी डेज आपके पास बचे आप ये देख लो कि मुझे IBPS PO है या फिर क्लर्क है, इसमें लगा देना है, ठीक है। और जो लोग अगर न्यू ईयर का टारगेट कर रहे हैं यार, तो क्लर्क उनके लिए बेस्ट है, जिनको क्लर्क में जाना है या फिर क्लर्क उनको एनी हाउ क्वालिफाई करना है, तो आप ये देख लो न्यू ईयर तक आपके पास अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, प्री भी मेंस भी क्वालिफाई होगा। और उसके बाद क्या, आपका फाइनल जो लिस्ट है वो 1 अप्रैल 2019 को प्रोविजनल अलॉटमेंट के साथ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आपकी मेहनत रंग लाएगी, तो अभी तक हमारे साथ बने रहो। और कोई अगर कोई डाउट हो बिंदास पूछो, कमेंट करो, हम आपके डाउट को पढ़ेंगे, कंसीडर करेंगे। अभी हमने एक रीजनिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ आपको, उस वीडियो को जाकर देखो। उसमें हमने सारे डाउट आपके क्लियर करें, पजल्स क्यों नहीं बनती, क्या रीज़न होता है, कैसे हमें चीज़ों को कंडीशन पढ़ना है, मैम ने बहुत अच्छी तरीके से डीपली वहाँ पर एक एक कंसर्न को लिया है। ऐसे ही और भी चीज़ें हम आपके साथ लेकर आते रहेंगे, आप लोग हमारे साथ दोस्तों बने रहें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी कोर्स की, उसको देख लो और लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप सभी का प्यार इसी तरीके से इस चैनल पर बना रहे, तो इस वीडियो को यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, आपका ही अपना चैनल है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, एक एक क्वेश्चन, रिव्यू, एग्जाम, सब कुछ आपको मिलेगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।